मैं बेचारा आया और मैंने धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने मुसीबत में फंसी हुई जो महिलाएं हैं उनको देखा कि ये लोग बेचारे सफाई का काम करने जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग इनको हीन भावना से देखते हैं, तो क्यों ना मैं इन महिलाओं को कुछ ऐसा काम सिखाऊं जिससे स्वाभिमान का जीवन जी सके। इसलिए मैंने इन महिलाओं के लिए यहाँ पे पापड़ वड़ी अचार और इसे सब बनाने का एक सेंटर चालू किया था कि ये अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगी मेक इन इंडिया की तर्ज पे, कि भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती है घर में जो शुद्ध भी होती है और हेल्दी फूड भी होती है और उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने इन लोगों को ये काम सिखाना चालू किया। ऐसे ही मैंने उज्जैन में भी हम लोगों ने फाइन आर्ट का काम महिलाओं को, सफाई कर्मचारी महिलाओं को ये काम सिखाया फाइन आर्ट का, जिसमें होम डेकोरेशन का आजकल जो घरों में सजावट की चीजें बनाई जाती है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल में भी मैंने छोटे छोटे जो झुग्गी के बस्ती में बच्चे कचरा बीनते हैं उन बच्चों को उस कचरे के जीवन से बाहर निकालने के लिए उनको मैंने लिफाफे बनाने का काम सिखाया था, छोटे छोटे जो मेडिकल और दुकानों पे दिए जाते हैं जिसमें दवाई दी जाती है। और अब शहर भी पॉलिथीन मुक्त हो रहा है तो कम से कम उन बच्चों को एक रोजगार भी मिल रहा है और वो काम कर रहे हैं उस स्तर पे। अपने शहर और प्रदेश या देश में भी एक पर्यावरण का वातावरण भी शुद्ध होगा और साथ में उन बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और वो एक जो गंदा काम कर रहे हैं कचरा बीनने का उससे भी वो मुक्त होंगे। और मैं एक महिला होने के नाते लड़कियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल लड़कियां सिर्फ अपने पहनावे को आजादी समझती है कि हमने भी जींस पहनी टॉप पहनी या फैशनेबल कपड़े पहने वो आजादी है। सही मायने में आजादी वो नहीं है। लड़कियों को आजादी अगर चाहिए तो वो सलीके से रहना सीखे, कम से कम अगर जींस पहनती है तो लॉन्ग कुर्ता पहने, स्टॉल डाले, आजादी उसको कहते हैं, ना कि सिर्फ अपनों ने फोड़ कपड़े पहने या बाइक पे घूम रही है या कुछ कर रही, वो आजादी है। आजादी